जय हिंद। आजकल यूरोपीय यूनियन भारत से कुछ खफा खफा से चल रहा है। यह नाराजगी यूरोपीय यूनियन के एक्सपोर्ट को लेकर चल रही है। इसका आने वाले समय में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और आखिर क्या चाहता है यूरोपीय यूनियन इस भारत से? अगर बात करें यूरोपीय यूनियन कौन सी बला है, तो यूरोपीय यूनियन कोई बला नहीं है, ये सिर्फ ये देशों का मिक्सअप है। जैसे कोई भी यूनियन बनाया जाता है, जैसे अभी मान लीजिए हाल ही में किसान यूनियन बना था, तो किसान यूनियन में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के किसान आए थे और उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाया था, मतलब अपना एक गुट बनाया था, एक वो एकजुट हुए थे। तो इसी तरह से जो यूरोपीय यूनियन है, इसमें कई सारे देश हैं, इसमें लगभग 27 देश हैं। यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं, तो 27 देशों से मिलकर बना है एक यूनियन। तो आखिर में ये यूरोपीय यूनियन भारत से क्या चाहता है, आखिर नाराज क्यों है, वो भी भारत से नाराज है। तो चलिए फिर समझते हैं कि क्यों नाराज है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी प्रमुख जो हैं जोसेफ बोरेल हैं, तो इन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमें भारत के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अरे भैया, भारत के खिलाफ कार्यवाही क्यों करनी चाहिए? इनका कहना है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे अपने रिफाइनरियों में शुद्ध करके और हमें दोबारा बेच रहा है। तो इनका ये कहना है कि रूस से भारत तेल ना खरीदे, रूस से भारत कुछ भी ना खरीदे। अरे क्यों ना खरीदे यार, भारत रूस का तो एकदम भाई भाई का रिश्ता है। तो आखिर जब रूस के पास है, उपलब्ध है सामान, तो हम रूस से क्यों ना खरीदे? भारत कच्चा तेल खरीद रहा है और जो गैसोलीन है ये सब खरीद रहा है कहाँ से? रूस से। और यही नहीं चाहता है यूरोपीय यूनियन कि ये भारत जो है रूस से कुछ खरीदे, तो इसीलिए वो नाराज है। अरे भैया, जब भारत रूस से सामान खरीद रहा है तो उसमें आपत्ति आपको कौन सी है? इसमें आपत्तिजनक बात क्या है जो आप नाराज हो रहे हैं? जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत ने रूस से सबसे ज्यादा मात्रा में तेल खरीदा है। अरे यार, भारत और रूस भाई भाई है, तो उसमें तेल खरीद रहा है, तो उसमें गुनाह क्या कर रहा है? जब रूस अपना तेल भारत को सस्ते दामों में बेच रहा है, तो इसमें जो रिफाइनरियां हैं भारत की, उनको भी फायदा हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? वो किसी दूसरे से खरीद रहा है और खरीद कर उसे शुद्ध करके बेच रहा है, मतलब वो डायरेक्ट तो तुम्हें बेच नहीं रहा है, या डायरेक्ट रूस तो तुम्हें दे नहीं रहा है जो तुम्हें आपत्ति होनी चाहिए। रूस से भारत खरीद रहा है, भारत अपने यहाँ शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद तुम्हें देता है, एक तो तुम्हारा काम आसान करता है, उसके बाद कि तुम कह रहे हो कि इस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए, ये कौन सी बात हुई आपकी? अब समझ लेते हैं कि जोसेफ बोरेल ने आखिर अपने बयान में कहा क्या है। जोसेफ बोरेल ने अपने बयान में कहा है कि अगर भारत से डीजल या गैसोलीन आता है, क्या आता है, डीजल या गैसोलीन? डीजल या गैसोलीन कहाँ जाता है? यूरोप में जाता है। अगर डीजल और गैसोलीन यूरोप में जाता है, वो भी रूस से खरीद कर आया रहता है, वो अपनी रिफाइनरियों में शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद जो यूरोपीय यूनियन को बेचता है, यानी जो यूरोपीय यूनियन में जितने भी देश हैं अगर उनको बेचता है, तो उन्होंने ये इन्होंने जोसेफ बोरेल ने अपने बयान में कहा है कि यह यूरोपीय यूनियन के जितने सदस्य हैं उनके लिए चिंता का विषय है। क्या कहा है? चिंता का विषय। अरे भैया, तुमसे कोई लड़ाई थोड़ी करने आ रहा है यार, वहाँ जो वहाँ पर चिंता का तुम विषय बना दिए हो, ये भी तुम्हारी कोई बात हुई यार? वो अपने मित्र देश से तेल खरीद रहा है, उसे फिर शुद्ध करके तुम्हें दे रहा है, उसमें तुम्हारी चिंता करने की बात क्या है? अजब हाल है यार। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इन्होंने ये जोसेफ बोरेल ने कहा है। जोसेफ बोरेल ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत का रूस से तेल लेना एक नॉर्मल बात है। आ रहे धीरे धीरे लाइन पे। क्या कहा है? रूस से तेल लेना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसका जो तेल आता है उसको रिफाइनरियों में शुद्ध कर एक उसका जो सेंटर बन रहा है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि यह सेंटर नहीं बनना चाहिए। तो इस पर यूरोपीय संघ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्गेट वेस्टीजर ने कहा है कि इस पर यूरोपीय संघ भारत से बात करेगा। हाँ, तो धीरे धीरे बात करके अपना सेटल कर लो यार। तो इन्होंने कहा है कि भारत से यूरोपीय संघ बात करेगा, जो बात करेगा वो एक हाथ मिलाने जैसा होगा, मतलब मित्रता के तौर पर बात करना रहेगा, ना कि उंगली उठाने का। अगर उंगली उठाओगे तो जान लो फिर। तो इसके साथ हम यह भी समझ लेते हैं कि भारत कितना तेल आयात करता है रूस से। तो भारत की जो रिफाइनरियां थी वो पहले रूस से तेल बहुत ही कम लेती थी, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आ जाता था, पहले जो तेल था वो कम लिया जाता था, तेल कम मात्रा में आयात होता था, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, मतलब आवागमन का खर्चा रहता है, वो बहुत ज्यादा आ जाता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आ जाता था, इसलिए पहले तेल कम खरीदा जाता था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में
22 देश में यह जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है यह घट गया है। तो इसलिए जो रूस से भारत तेल खरीद रहा है क्योंकि उसे सस्ते दामों पर पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कितना तेल खरीदा गया है, तो आंकड़ों के अनुसार लगभग तो यह होता है लगभग 9,70,981,000 बैरल। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग पहुंच जाता है लगभग 1.542 × 10^14 लीटर। समझ लीजिए इतना जो तेल है वो आयात किया गया है रूस से, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से ये आयात किया गया है। तो जो इतना तेल आयात किया गया है रूस से, तो ये जो कुल आयात किया गया तेल है इसका पांचवा हिस्सा है। अगर केपलर के हम सिर्फ ट्रैकिंग का रिकॉर्ड की माने तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिलायंस तेल इंडस्ट्री है और एक है नायरा। कौन सी है? रिलायंस और नायरा, ये जो इंडस्ट्रियां हैं ये सबसे ज्यादा तेल आयात करती हैं और इसको फिर शुद्ध करने के बाद फिर से निर्यातक बन जाती हैं, मतलब खरीदार सबसे ज्यादा है ये तेल की। केपलर के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध से पहले लगभग भारत जो था वो तेल का निर्यात करता था 1,54,000 के बैरल के आसपास, 1,54,000 के आसपास जो था वो निर्यात करता था तेल, प्रतिदिन का रिकॉर्ड है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और फिर जब भारत रूस से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया है, तो अब यह लगभग बढ़ गया है 200 के, मतलब 2 लाख बैरल प्रतिदिन, ये इतना बढ़ गया है। अब जब इतना बढ़ा दिया गया तुमको तेल आसानी से मिल रहा है, फिर भी यहाँ पर भारत पर तुम क्या यार, तुम उसके चिंता का विषय बता रहे हो भारत। तो इस पर भारत सरकार ने क्या कहा इसको भी समझ लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर प्रसाद है, एस जयशंकर प्रसाद ने कहा है लगाए गए प्रतिबंध है उन पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश से उसको खरीद कर, किसी भी चीज को खरीद कर फिर उसे अपने यहाँ उसे मॉडिफाई करके यानी उसे शुद्ध करके अगर किसी तीसरे को बेचता है तो वह डायरेक्टली नहीं माना जाएगा, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। यार खुद तो कह रहे हो उसके बाद फिर से तुम ये ऐसी बातें करते हो, तो यानी कि अगर रूस से भारत तेल खरीद रहा है उसे फिर शुद्ध कर बेच रहा है किसी दूसरे देशों को यानी यूरोपीय संघ को बेच रहा है, तो इस पर आपत्ति की कौन सी बात है। और यहाँ पर तो भारत ने भी रूस को अपने उत्पाद दिए हैं, यहाँ के प्रोडक्ट रूस को भी गए हैं और वहां से यहाँ आए हैं। अब समझ लेते हैं कि भारत के लिए चिंता क्या है, आखिर चिंता का विषय क्या है। तेल मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा, कौन है? तेल मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा, ये तेल मामलों के जानकार हैं नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र तनेजा ने कहा है कि अगर यूरोपीय संघ हम पर प्रतिबंध लगाता है, क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है, तो इससे हम पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कम से कम 15 देशों पर और प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर यूरोपीय यूनियन ऐसा करता है, तो जो तेल का आयात और निर्यात हो रहा है ना, इसमें काफी उछाल देखने को मिलेगी, इसके रेट बहुत ही ज्यादा दामों में बढ़ जाएंगे, बहुत ही रेट इसके हाई हो जाएंगे, और फिर तो समझ लीजिए एक वही रहेगा कि कोई भी खरीद नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि जो चल रहा है ना इसे चलने दीजिए, इसमें हस्तक्षेप अगर किया गया ना तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि रूस से भारत और चीन तेल खरीद रहा है, तो इसमें जो तेल की दुनिया है उसके बाजार में तेल की कमी नहीं हो पा रही, अगर इसमें दखलंदाजी की गई तो इसके लिए समझ लीजिए तो फिर इसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। नरेंद्र तनेजा ने यह भी कहा है कि इस तरह के बयानों पर भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है और भारत को किसी भी सूरत में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यूरोपीय यूनियन भारत पर गुस्सा है कि वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। अरे भैया खरीद रहा है तो खरीदने दो, क्या तुम्हें क्या आपत्ति, तुम्हें भी तो तेल सप्लाई किया जा रहा है, बस ये है कि तुमसे पैसे चार्ज किया जा रहा है, फ्री में थोड़ी कोई चीज देगा। तो जब हम रूस से पैसे देकर तेल खरीद रहे हैं तो तुमको फ्री में कैसे दे देंगे यार, तुम भी अजय सोचते हो। तो आप जो गुस्सा हो रहे हैं ये गुस्सा मत होइए, जो चिंता का विषय बता रहे हैं ये भी आपकी गलत धारणा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे ना तो कम से कम आपको 15 देशों पर और प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।